नीमच जिले में शिशु मृत्यु दर के आंकड़े काफी चिंताजनक हैं, लेकिन स्वास्थ्य अमला है कि इस ओर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है और सिर्फ अपनी औपचारिकता निभाते हुए विभागीय अभियानों को पलीता लगाने में लगे हैं। ऐसे में एक कार्यशाला के दौरान कलेक्टर ने स्वास्थ्य अधिकारियों की जमकर क्लास ले ही ली और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने पर सभी को गंभीरता से काम करने के निर्देश देने के साथ ही इस मामले पर चिंता जताते हुए खुद ही इसकी मॉनिटरिंग कर लापरवाही बरतने वालों पर एक्शन लेने तक को कहा, जिसे लेकर स्वास्थ्य अमले में हड़कंप सा मचा हुआ है। नीमच जिले में स्वास्थ्य विभाग के शिशु मृत्यु दर को कम किए जाने को लेकर चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों के हालात क्या हैं, इसका अंदाजा आप इन्हीं आंकड़ों से लगा सकते हैं कि प्रदेश में शिशु मृत्यु दर जहां 47 की है, तो वहीं हमारे ज़िले में ये दर 70 की है, जो काफ़ी ज़्यादा है। और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शिशु कुपोषण का शिकार होकर ज़्यादातर अकाल मौत के काल में समा रहे हैं, लेकिन इस ओर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह लापरवाह होकर सिर्फ अभियानों के नाम पर अपनी औपचारिकता निभाने में लगा है। जून से एक दस्तक अभियान प्रारंभ करवाया है, जिसके अंदर 0 से लेकर 5 साल तक बच्चों को, जो कुपोषित बच्चे हैं, उनका जो है कुपोषित बच्चों का घर घर जाके सर्वे करना है। और ये कार्य के लिए जो है जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों को और वहाँ कर्मचारियों को अधिकृत किया है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस नीमच जिले के अंदर अभी भी कुपोषित बच्चे हैं, और कुपोषित बच्चों होने का कारण ये है कि जिला अस्पताल में कार्यरत अधिकारी, चिकित्सक और कर्मचारी पूर्ण रूप से लापरवाह हैं। ये कुपोषित बच्चों के लिए जो है मतलब घर घर जाके सर्वे नहीं कर रहे हैं। जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं वो बड़े चिंतनीय आंकड़े हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ का चिकित्सा विभाग बच्चों के प्रति पूर्ण रूप से लापरवाह है और वो नहीं चाहते हैं कि कुपोषित बच्चे जो है वो अपनी ज़िंदगी जिए। हमने जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं 2019 के अंदर जनवरी से लेकर मई महीने तक, इसके अंदर 161 बच्चे कुपोषित पाए गए हैं। उसी प्रकार पिछले गत वर्ष में 2018 के अंदर जो है 290 बच्चे कुपोषित पाए गए थे। ये कुपोषित बच्चों को पाए जाना एक चिंता का विषय है कि लापरवाही तो है, और लापरवाही का के जिम्मेदार जो है, मैं फिर कह रहा हूँ कि जिम्मेदार जो है यहाँ के कार्यरत चिकित्सक हैं और यहाँ के कर्मचारी हैं। ये खुद तो सर्वे करने जाता नहीं है, लेकिन जो समानांतर संस्थाएँ आशा उषा कार्यकर्ताओं वालों को, ये उनको भेज देते हैं। जबकि आशा उषा कार्यकर्ताएँ जो हैं वो समझ चिकित्सा के मामले को समझते नहीं है, वो केवल सर्वे करके चली जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है क्या? आंकड़े तो अपनी जगह सही है, कमी तो है, तभी तो इतने प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। क्या कुपोषण की भी है, अधिकता है, कुपोषण को रोकना है, खून की कमी है उसको भी रोकना है, बच्चों में नमोनिया डायरिया जिसके लिए प्रोग्राम चला रहे हैं ये भी रोकना है। तो इसी के रोकने के लिए अपन ने ये दस्तक अभियान चलाया है, जो शासन की मंशा है कि सभी को अपन कुपोषित बच्चों को उनको सुरक्षित कर सके और बच्चों की अंडर फाइव मोर्टिलिटी बचा सके, मतलब उनकी मृत्यु में कमी ला सके, मृत्यु दर में कमी ला सके। नहीं, ये तो कई कारण जो है, आपने जो कारण बताया ना, इसमें फोल्डर में भी लिखा है कारण है, इन कारणों से अक्सर मृत्यु होती है, तो इसी के रोकने के लिए तो अपन ये प्रयास कर रहे हैं क्या, ताकि मृत्यु दर में कमी। शाला में एक सबसे बड़ी बात ये निकल के आया कि जो हमारा चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है वो 70 के आसपास है, जो कि बहुत हाई है। स्थिति बहुत अच्छा नहीं है, हमको कोशिश करना चाहिए कि इसको नीचे लेकर के जाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस अभियान के दरमियान जब हमारी टीम नीचे जाएगी तो वो लोगों को, बच्चों को आइडेंटिफाई करेगी, उनको समझाइश देगी, और जो डाटा निकल कर के आएगा उस डाटा के बेस पे हम अपने ज़िले के लिए एक स्ट्रेटजी तैयार करेंगे और टारगेट बनाएंगे कि साल भर के अंदर हम इस समय चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट को नीचे लेके जाए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें और गंभीरता की आवश्यकता है और ज़्यादा प्रिपरेशन की आवश्यकता है, और मैं अपने ऑफिसर से ये उम्मीद करता हूँ कि वो इसको बहुत गंभीरता से लेंगे और इसको इन स्पिरिट लेंगे, और इससे जो रिजल्ट्स निकलेंगे, जो हमको डाटा कलेक्ट होके आएगा, उसके ऊपर फिर हम एक सघन बैठक करेंगे और फिर एक नई रणनीति तय करेंगे। बिल्कुल, ये बहुत गंभीर मसला है और इसकी मॉनिटरिंग मैं खुद करूँगा।